कलेक्टर साहब, आप कहाँ हैं? आप देख रहे हैं शहर में क्या हो रहा है? लोक प्रतिनिधि 500-700 लोगों को लेके कव्वाली में नोटा उड़ा रहे हैं और आप उनको इजाजत दे रहे हैं क्या? इतना बड़ा प्रोग्राम कल रात में हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या सो रहे हैं क्या? आप तो बड़ी बातें करते हैं कि कोरोना में मैं ये कर दूंगा, वो जो लग्न समारंभ के कार्यक्रम है उनका मैं उनको लॉक कर डालूंगा, दुकानदार जो 4 बजे के बाद खुले दिखेंगे तो मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। अरे वहाँ कव्वाली में इतने लोग नाच रहे गा रहे, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? क्या वो आपके रिश्तेदार है, उनकी तरफ आप देख नहीं रहे हो? अरे गलत बात है, अगर आप कोरोना का सचमुच अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हो और यहाँ पर कुछ नहीं होना आपको लगता है तो सबको एक जैसा समझो। ये बड़ों को आप अलग न्याय देते हो, गरीबों को अलग न्याय देते हो। अरे वहाँ पर कव्वाली में हो रहा है नोटों का, वहाँ कव्वाली में हो रहे है नोटों की बारिश और यहाँ पे कलेक्टर साहब गरीबों के घरों में भूखमरी चल रही है। जो दुकानदार है वो बेचारा देख रहा है लाइट बिल और टैक्स और रो रहा है और आप 16 डिग्री में एसी में बैठ के सो रहे। अरे इन पे कार्रवाई करो तो हम भी मान जाएंगे कि आप कलेक्टर हैं, आप सचमुच कलेक्टर हैं, आप ऐसा भेदभाव नहीं रखते, नहीं तो हम यही सोचेंगे कि ये शहर का नसीब ही खराब है कि आप जैसा कलेक्टर हमको मिला जो गरीबों पे तो अत्याचार करता है पर अमीरों के लिए फुल छूट दे देता है। आपको मौका है, करके दिखाओ, करके दिखाएंगे हम आपको, सलूट मारेंगे। माननीय कलेक्टर साहेब, काय कारवाई करणार आपण? काय कारवाई करणार? कळतंय ना मी काय म्हणतोय? अहो काल या मिटमिट्यामध्ये एवढी मोठी कव्वालीची पार्टी झाली, नोटांची उधळण झाली, इथे गरीब मरतोय, गरिबांकरता आपले खासदार खूप काही करतायत हे दाखवतात आणि इकडे नोटा बरसल्या जातायत, नोटों की बारिश हो रही आहे आणि तुम्ही काय करताय साहेब? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो, जनतेचा आवाज म्हणून आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो, आम्ही 3 तास वाढवून मागितले फक्त, परंतु तुमच्या रुटीन कामकाजामध्ये तुम्ही आम्हाला तो सुद्धा वेळ दिला नाही। आता तुम्ही या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करणार का? तुमची हिम्मत आहे का? हिम्मत असेल तर तुम्ही आता या कालच्या कार्यक्रमावरती कारवाई करून दाखवा। दर वेळेला छोट्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करायची, दर वेळेला गरिबांवर कारवाई करायची, दर वेळेला लग्न कार्यालयावर कारवाई करायची, सामान्य जनतेला सगळे नियम लावायचे आणि त्यांच्यावरती कारवाया करायच्या, ही पद्धत तुमची योग्य नाही। एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो जिल्हाधिकारी साहेब, आम्ही देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमच्या विरोधामध्ये रस्त्यावरती येऊ। पुनश्च एकदा मी आजच्या या सगळ्या गोष्टींवरून तुमचा निषेध करतो। तुम्हाला मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, तुम्हाला पुन्हा एकदा मी इशारा देऊ इच्छितो की तुम्ही आता या लोकप्रतिनिधींवर जो काही कार्यक्रम यांनी केला त्याच्यावरती कार्यवाही करून दाखवा। आणि आदरणीय पोलीस आयुक्त साहेब, मी तुम्हाला देखील सांगू इच्छितो, कुठे आहे कायदा सुव्यवस्था? काय चालू आहे आपल्या शहरामध्ये? अनेक ठिकाणी गुंडगिरी आहे, अनेक ठिकाणी महिलांना त्रास होतोय, महिला सुरक्षित नाहीये, तलवारी सापडतायत। अहो झोपलीये का आपली प्रशासन यंत्रणा? लक्ष द्या साहेब, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मोठ्या प्रमाणात आपल्या विरोधात रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही।